नमस्कार, मधुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम में किस तरह से आपके हाथों में यूज किया जाने वाला गैजेट, चाहे मोबाइल हो या दूसरी चीजें हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, उन पर कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता है और कहाँ कैसे उसका इस्तेमाल करें कि आप अपराधियों की नज़र में ना आए, अपराधी आपका इस्तेमाल न करें, और कैसे सुरक्षित रहा जाए। आज का युग सारा गैजेट का युग है। कहीं ना कहीं मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है, लैपटॉप पे हर व्यक्ति काम कर रहा है, और जरा सी चूक में आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसे हम एक्सपर्ट से बात करेंगे जो आपको इन सारी परेशानियों से बचने के उपाय बताएंगे। वे ये बताएंगे कि कैसे हमें सावधानी रखना चाहिए, किन किन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और यही सब बातों के लिए आज हमारे स्टूडियो में है सिद्धार्थ राजहंस जी। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुभाषी के स्टूडियो में। सिद्धार्थ जी टेक्निकल रूप से बहुत साउंड है, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। साइबर क्राइम में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या दिल्ली पुलिस हो, वे भी कई बार इनकी मदद हमेशा लेते रहते हैं। तो हम आज इन्हीं से जानेंगे कि साइबर क्राइम, सर टेक्निकल भाषा में क्या है साइबर क्राइम, और किस तरह से इस क्राइम में लगातार लोगों को मायाजाल में फंसा रहे हैं और उनसे परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो साइबर क्राइम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी लास्ट दो साल में पैंडेमिक रहा है, साइबर क्राइम इंटरनेट पे होने वाली हर वो गतिविधि जो या तो पैसा चुराने के लिए या किसी के इमेज को ख़राब करने के लिए या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, इस तरह के ये जितने भी क्राइम्स हैं, यानी हमारे जितने भी पुराने तरह के क्राइम्स होते थे, जब वो ई प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जब वो इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इन पर आ जाते हैं, तो इसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम अभी लास्ट दो साल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्पेशली जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ और लॉकडाउन का सिलसिला चलने लगा, बहुत ज़्यादा लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो ऐसे में देखने जितने भी ये क्रिमिनल माइंडेड लोग थे, देखने में आया है कि ये लोग साइबर क्राइम और साइबर अपराधों को ज़्यादा अंजाम देने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इंसान है, आम आदमी है, जो उपभोक्ता है, उसकी जागरूकता ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जितने भी पुलिस विभागों के साथ डिफरेंट स्टेट्स में काम किया है, मैंने सबसे मेन बात यही नोटिस करी है कि उन्हीं केसेस में व्यक्ति फंसता है जहां पे वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट हो जाए, यानी सामने वाले से बात कर लिया। तो साइबर क्राइम्स के कुछ आम प्रकार, जैसे किसी से ये कह दिया कि भाई आपने लॉटरी जीती है, या किसी को हनी ट्रैपिंग एक तरीका है कि आपसे दोस्ती करना चाहते हैं ऑनलाइन। तो इसमें हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने ऐसा क्या किया कि हमें कोई पैसा दे रहा है या हमसे कोई दोस्ती करना चाह रहा है। तो जहाँ पे इंसान की लालच की सीमा थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो इस तरह के अपराधियों से बात करने लगता है, तो अपराधियों का जो हम कहते हैं MO, यानी मोडस ऑपरेंडी, वो यही रहता है कि सबसे पहले वो इंसान को टारगेट करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं ऐसा व्यक्ति जिसकी इमेज अच्छी हो या जिसके पास धन ज्यादा हो, और फिर उन्हें वो एक बातों के मायाजाल में फंसाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सावधानी अपने दिमाग से भी रखने की आवश्यकता है कि उनके झांसे में ना फंसे। सर, आज का युग देखा जाए तो अभी हम 4G के युग में हैं, आने वाला समय 5G का होगा, चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेगी जी। तो ऐसे हालातों में इनसे बचने के किस तरह की सावधानियां होना चाहिए, जो छोटी छोटी जैसा कि आप बता ही रहे थे, बिल्कुल, उनके बचने के लिए हम हर चीज़ों की बात करें कि किस किस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं और उनसे कैसे बचा जाए। छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है जिससे हम बच सकते हैं। देखिए, साइबर क्राइम के मैं समझता हूँ 5 या 6 प्रकार हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो एक है भाई एडवांस फी फ्रॉड, यानी आपसे किसी भी तरह का एडवांस फी लेना, ये कहकर कोई प्रलोभन देकर आपको, कि ये कहकर कि भाई आपने लॉटरी जीता है, या जब KBC चल रहा था TV पे तो लोगों को KBC के नाम से कॉल आ रहे थे, इस तरह की चीज़ें सभी मैं समझता हूँ। तो इन सभी चीज़ों में एक कॉमन चीज़ देखी गई है कि व्यक्ति को बता दिया जाता है कि उसने एक अमाउंट जीता है, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, और फिर उसके अगेंस्ट से एडवांस फी कि भाई हमें टैक्स भरना है, हमें इन्हें थोड़ा पैसा देना
लेना है, तो इस तरह के एडवांस फी, तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा हम समझते हैं कि भाई जिसे हनी ट्रैपिंग कहते हैं कि ये बहुत देखा गया है, स्पेशली इसमें जो विक्टिम रहते हैं वो पुरुष रहते हैं जो थोड़े मिडिल एज के हैं, देखा गया है, क्योंकि एक इसमें हो सकता है वो पॉलिटिशियन हो सकता है वो उद्योगपति हो, इस तरह के लोगों को ऑनलाइन लड़कियों की प्रोफाइल बनाकर उन्हें झांसा दिया जाता है कि वो उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बस ये है कि उनसे कोई त्रुटि हो और वो उसे या तो स्क्रीनशॉट ले ले या इस तरह की चीज़ें ना करके उन्हें ब्लैकमेल करें। तीसरा, एक हाल ही में देखा गया है सेक्सटॉर्शन का मामला कि भाई एक पॉलिटिशियन के साथ किसी ने वीडियो कॉल कर दिया और उसमें सामने वाले व्यक्ति ने उनके थोड़े कपड़े उतार दिए, आपत्तिजनक स्थिति में थे, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिए और ब्लैकमेलिंग। तो मान के चले हम ज़्यादा से ज़्यादा ये दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक पैसे के लिए लोगों को प्रलोभन देना और उनसे एडवांस फी लेना, दूसरा ब्लैकमेल करना। और ब्लैकमेलिंग में मोस्टली देखा गया है कि आदमी औरतों को इस तरह के मामले, हनी ट्रैपिंग या सेक्सटॉर्शन, इस तरह के मामलों में फंसाना। तो और इसके अलावा तीसरा एक पूरा जो है बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स है जो कि पूरा ऑनलाइन अंजाम होता है। तो बैंकिंग में ये सबसे वही बात है, हम किसी से हम CVV क्यों शेयर करते हैं, अपना डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, OTP जो आता है या ATM पिन आते हैं, ये सब हमारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, तो ये शेयर करने से ही तकलीफें बढ़ती हैं। इसके अलावा एक चौथा पहलू ये है, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग या हम कहें ब्लैकमेलिंग या एडवांस फी फ्रॉड, की हैकिंग। तो हैकिंग जो है ये वो एरिया है जिसमें कि जो सामने वाला साइबर क्रिमिनल है वो थोड़ा तकनीकी तौर पे एडवांस्ड है, यानी उसको ज़्यादा ज्ञान है, वो आपके वेबसाइट को, आपके आपके जीमेल आईडी को या आपके फेसबुक अकाउंट को, ट्विटर को, सब हैक करने की क्षमता रखता है। हाल ही में देखा गया है पुलिस की वेबसाइट हो, चाहे यूनिवर्सिटी की, ये सब भी वेबसाइट्स, फेसबुक की बिल्कुल, ये सभी चीज़ें हैक हुई हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये एक वो तकनीकी तौर पे स्ट्रांग वाला क्रिमिनल है। बाकी तीनों जगहों पे मैं समझता हूँ तकनीक तो बहुत ही छोटी रहती है, मामूली रहती है, यानी बस एक फ़ोन कर दिया, बट ऐसे में जो सामने वाला व्यक्ति रहता है वो थोड़ा मानसिक तौर पे भटक जाता है और ये लोग उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं। क्राइम नॉन एक्सपर्ट भी कर रहे हैं, नॉन एक्सपर्ट थोड़ी बहुत जानकारी है तो बिल्कुल। तो मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूँ तो इंडिया में साइबर क्रिमिनल 70-80% आम लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा तकनीकी नॉलेज नहीं है, सिर्फ 20% हैं ऐसे जो जिनको हैकिंग का नॉलेज है। तो ये है 3-4 तरह के साइबर क्राइम्स। और हम बात जैसे कर रहे थे कि किस तरह से बचा जाए इन तरह के साइबर क्राइम से, तो एक देखिए सबसे पहली बात है, आज हम सबके पास स्मार्टफोन है, तो आज की तारीख में इंटरनेट के दौर पे स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप हो गए, इन सब का हमें सदुपयोग करते आना चाहिए। तो आप अगर एक सिंपल सा एंड्रॉयड मोबाइल भी हो आपके पास, तो ट्रू कॉलर नाम का ऐप है, तो आपको पहले तो अनजान नंबरों से कॉल उठाना नहीं है, और अगर आते हैं तो उन्हें एक बार ट्रू कॉलर पे वेरीफाई कर लीजिए, और आप अगर पहले 5 सेकंड में ही बात करेंगे तो आपको समझ जाएगा क्या वो कोई लॉटरी वाले हैं या आपको इंश्योरेंस वाले हैं। इस तरह की बातों से फोन आए तो आप काट दीजिए। तो अनजान नंबरों से एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग रिलेटेड कॉल्स एंटरटेन मत कीजिए, ट्रू कॉलर पे वेरीफाई कीजिए। आज की दौर में मैं समझता हूँ लोग काफी हद तक ट्रू कॉलर पे कोई भी गलत नंबर आता है तो उसे स्पैम रिपोर्ट कर देते हैं। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें कि लोग आते हैं कंप्लेंट लेकर, बट एक सिंपल ट्रू कॉलर सर्च में दिख जाता है कि लोगों ने, यानी जो आम जनता है, उन्होंने उस नाम को चोर या स्पैम नाम से स्टोर किया रहता है। तो मुझे वही लगता है कि इन व्यक्ति के साथ वो घटना हो गई, अगर ये एक बार ट्रू कॉलर पे देख लेते तो बच जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो दूसरों को भी आगाह करते हैं कि आप भी इसमें बचाव कीजिए। और कहीं ना कहीं यदि आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो अपने माइंड को भी स्मार्ट रखिए ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। सर यदि बात की जाए ये 2 सालों की, चाहे कोविड की बात हो चाहे टेक्निकल रूप से साउंड होने की बात हो, मुझे लगता है कि इन 2 सालों में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है। क्या स्थितियाँ 2020 में, क्या स्थितियां हो रही थी, आज 2022 में हम लोग हैं, तो क्या जी है? तो मैं अगर जैसे मध्य प्रदेश स्टेट की बात करूं तो जो रिपोर्टेड साइबर क्राइम थे 2020 में करीब 25,000 थे, और 2022 में वही है 75,000 के करीब जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें कि लोगों का पैसा कट गया, लोग आ रहे हैं सामने। कई बार तो लोग ऐसा हो जाता है कि शर्म के मारे ही नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे हमें क्योंकि किस तरह से ब्लैकमेल किया हो, उनका कोई फोटो आपत्तिजनक हो। सो यानी हम कह सकते हैं 150% इंक्रीज़ हुआ है ये 2 साल पैंडेमिक में, और ये ना केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश और इवन ग्लोबल स्तर पे। और इसमें सबसे बड़ी बात ग्लोबल स्तर पे अगर करें तो वो है क्रिप्टो करेंसी हाल ही में बहुचर्चित विषय रहा है, बजट में भी उसका जिक्र हुआ, किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना खुद का डिजिटल रुपी लेके आने वाली है, और लोग समझ रहे थे कि भाई ये सब क्रिप्टो करेंसी को
लीगलाइज करने की ओर हैं, बट अभी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बात साफ कर दी कि क्रिप्टो को किसी तरह से फिलहाल तो लीगलाइज नहीं किया है। तो इसमें क्रिप्टो निवेशक और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जो करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है साइबर क्राइम का, यानी फाइनेंशियल फ्रॉड्स साइबर मार्केट में जो हो रहे हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि 80-85% तो क्रिप्टो करेंसी पे ही हो रहे हैं, क्योंकि अनट्रेसेबल हैं लोग, उसी में डार्क नेट एक जो पूरा पहलू है जहाँ पे तकनीकी स्तर के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सब चीज़ों को अंजाम देते हैं, तो वो लोग भी इसी तरह के टोकन करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसमें हमें सतर्कता बरतनी बहुत आवश्यक है। आने वाला युग भी लगभग ये डिजिटल करेंसी और इसी पे जाएगा, तो किस तरह की सावधानियाँ इस पहलू पर रखी जानी चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें क्रिप्टो करेंसी में निवेश नहीं करना चाहिए, कीजिए, बट अगर आप कर रहे हैं तो आप फिर कॉइन DCX या इस तरह के स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म से कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पे ना जाते हुए साइबर क्राइम की बात करूँ तो देखिए, साइबर क्राइम पे आपको और बहुत तरह के सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं जिनसे हम सावधानी बरत सकते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ वो है 2-step verification। तो आप अपने Gmail ID हुआ, आपका Facebook अकाउंट हुआ, Twitter हुआ, Instagram हुआ, सब पे 2-step verification चालू कर लीजिए, ताकि अगर आपके अकाउंट का यूज़र नेम कोई व्यक्ति एंटर करता है लॉगिन पेज पे और उसके बाद भले ही आपका पासवर्ड क्रैक कर लिया हो तो भी जो सेकेंड प्रॉम्प्ट है वो आपको आपके मोबाइल पे आएगा OTP के द्वारा, और OTP के भी अलावा आप सबके पास गूगल का जो सिंपल ऐप है उस पे आता है आजकल प्रॉम्प्ट, सो दैट अगर आपका सिम नंबर, आपका मोबाइल नंबर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आपका ऐप कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो उस पे एक सेकंड प्रॉम्प्ट आता है। सेम फेसबुक के लिए होता है, सेम इंस्टाग्राम, सेम ट्विटर के लिए। तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स को 2-step verification करके चालू कर लीजिए, जिससे कि मैं समझता हूं आप 99% श्योर हो सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो हैकिंग प्रूफ बन जाएगा इंटरनेट। बहुत अच्छी जानकारी है ये हमारे दर्शकों के लिए कि कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो 2-step verification होना जरूरी है, ताकि कहीं फ्रॉड हो भी रहा है तो आप तक मैसेज जरूर पहुंचे और आप उनसे सावधान हो जाए। सर आमतौर पर अभी फिलहाल ये जिस समय में हम लोग देखते हैं फेसबुक पे, फेसबुक हैक करना, उसके अकाउंट हैक करना और उनसे पैसों की डिमांड करना, ये बहुत तेजी से चल रहा है। उसमें चाहे पॉलिटिशियंस हो, अधिकारी हो, पुलिस वर्ग हो या एक अच्छे ओहदे पे शहर में कुछ रुतबा रखता हो, उसे टारगेट किया जाता है। ये किस तरह का फ्रॉड है और इससे किस तरह से बचा जाए? हाँ जी, देखिए इसमें सबसे जो कॉमन ट्रेंड देखा गया है कि आपने जैसे बताया शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। मोस्टली लोग ये करते हैं कि फेसबुक का आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं, वही मैंने बताया आपका ईमेल आईडी सिंपल सा होगा, वो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, जो आपका लोगों को आप बांट रहे हैं वो ईमेल आईडी अलग रखिए और सोशल मीडिया का जो लॉगिन ईमेल आईडी है वो सेपरेट कर लीजिए, उसे आप क्रिप्टिक सेट कर लीजिए। ये सबसे सिंपल है, यानी ऐसे शब्दों का मेल बनाइए जो आपके अलावा और कोई नहीं जानता हो। सिंपल अपने नाम को ईमेल आईडी बनाकर सर्कुलेट मत कीजिए, तो उससे हैकर को ये पता पड़ जाता है, ऐसे साइबर क्रिमिनल को, कि ये वही मेल आईडी है जिससे मुझे लॉगिन करना है, और फिर लोग पासवर्ड भी सिंपल सेट करते हैं। मैं आपको एक बात किस्सा बताऊं कि एक यूनिवर्सिटी का जो कि बिलासपुर में है, मैं उनका एक हैकिंग इंसिडेंट हो गया था और उसमें यह था कि उनका जो यूजर नेम था वो था एडमिन और जो पासवर्ड था वो था पासवर्ड शब्द ही। तो अगर इतना हम सिंपल रखें, हाँ, यानी पासवर्ड था PASSWORD, तो अगर एडमिन, ये मैंने देखा है, हम इवन अगर हमारे घर के राउटर को सेट करते हैं तो जो राउटर सेट करने वाला आता है वो भी यही कहता है कि जो यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है पासवर्ड शब्द या 1234567 8। तो हम इतना सिंपल रख देंगे तो कोई भी क्रैक कर सकता है। तो दुनिया में देखा गया ईमेल आईडी इसी तरह से क्रैक होती है, इस तरह के कुछ इसके लिए हाईटेक तकनीक भी है जिनसे लोग बैकएंड से इसे क्रैक करते हैं। तो एक तो 2-step verification हो गया, दूसरा ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि किसी ने क्रैक कर लिया तो सबसे पहले वो ये करता है कि उस व्यक्ति के जो खास दोस्त हैं उनसे बोलता है कि यार एक्सीडेंट हो गया, इस नंबर पे गूगल पे कर दो। तो हमें ये बात ध्यान देनी है कि हर चीज में हमें दो बार उसे वेरीफाई करना है। मान लीजिए आपके क्यों ना घनिष्ठ मित्र के साथ हुआ हो, ये आपके परिवार के सदस्य के साथ हुआ हो, एक बार किसी नंबर पे उन्हें कॉल करके बात कर लीजिए या उनके किसी परिजन से बात कर लीजिए कि क्या ये मुसीबत में है। एकदम बिल्कुल हम ब्लाइंड होके उन्हें पैसा
और ये भी याद रखिए, हम गूगल पे पे जब भेजते हैं, मैंने ऐसे भी केसेस देखे, भाई आप नंबर एंटर करते हो तो सामने वाले का नाम आता है, सामने वाले का नाम इन केसेस में हमेशा वो हैकर का नाम होगा, तो हम क्यों किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे पैसा भेज रहे हैं। तो इस तरह के सिंपल चीज़ें हम अगर ध्यान देंगे तो हमें एकदम से ऑनलाइन ना, एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक होता है हैकोफोबिया कि लोग एकदम डर जाते हैं कि भाई ये सब हो रहा है तो हम यूज़ ही ना करें, और एक होता है लोग टेंशन में आ जाते हैं, तो हमें ऐसे जब चीज़ें हो रही हों तो टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि एक ये भी मोडस ऑपरेंडी है ऐसे लोगों का, साइबर क्रिमिनल्स का, कि वो सामने वाले पे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि बस अगले 15-20 मिनट में ही ये करके होना है, और हम आम आदमी जो है टेंशन में आ जाता है कि भाई जल्दी से जल्द किया जाए। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी जहां पे आए हमें दूर, हमें सावधान हो जाना है कि नहीं, हमें इसे जांच परख के ही आगे बढ़ना है। क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। सिद्धार्थ जी टेक्निकल रूप से बहुत साउंड है और लगातार कई सरकारों के लिए वे काम करते हैं, इवन US में भी वे कहीं ना कहीं अवेयरनेस के प्रोग्राम लगातार चलाते हैं। और किस तरह के प्रोग्राम आप लोग अलग अलग सरकारों के, चाहे UP हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली पुलिस हो, उनके प्रशासन और पुलिस के साथ में जो अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और किसे टारगेट किया जाता है, यूथ ज्यादा टारगेट है या क्या रहता है? तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, हम लोग एक तो जूम सेशंस, आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई हम किसी भी व्यक्ति से, हम घर पे बैठ कर किसी टीवी पे लाइव हो सकते हैं, सिंपल चीजें आ गई हैं इस तरह के टूल्स। तो हमने जूम सेशंस बहुत करे हैं, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, मुंबई पुलिस हुआ, इन लोगों के लिए डिफरेंट स्टेट्स के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स की ज़्यादा पहुंच है और ज़्यादा डेवलपमेंट है, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, मुंबई पुलिस हुआ, ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बैंकिंग फ्रॉड्स भी अंजाम लोग दे देते हैं, साइबर क्रिमिनल्स। तो इस तरह के हमने जूम सेशंस में अवेयरनेस क्रिएट किया है। आज जैसे कि हम बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरत है कि पुलिस भी सोचे साइबर क्रिमिनल्स जैसा कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, हमें उनसे एक कदम आगे होना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बैठकर सोच रहे हैं, और ये सभी साइबर क्रिमिनल्स इनकॉग्निटो काम करते हैं, यानी ये वो पूरे समाज से, पुलिस से छुपकर काम करते हैं। तो हमें भी जरूरत है, हमारे जो साइबर विभाग है पुलिस की, कि उसे अपग्रेड किया जाए, तो इसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमने इन्हें अवेलेबल कराए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन लोगों के जो एप्स हैं, इनकी APIs हमने अवेलेबल कराई हैं, यानी मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जो बैकएंड कोडिंग है वो हमने अवेलेबल कराया है पुलिस को, ताकि अगर ऐसा कोई स्थिति होती है जिसमें कि अर्जेंसी डेवलप हो जाए। और आज की तारीख में एक अच्छा है कि भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी के ऑफिसेज भी हैं इंडिया में, तो जरूरत है कि हमारा पुलिस और साथ में जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो जुड़ करके इन ऑफिसेज से उनका संपर्क करा दें, ताकि कोई भी साइबर क्राइम जब हो रहा हो उसी समय पर उसे रोका जा सकता है, ये नहीं कि हम होने के बाद। तो अभी हमारा जो करंट मिशन है 2022 का, वो यही है कि हम साइबर जागरूकता लोगों में, प्रशासन में, पुलिस में इतनी बढ़ा दें कि साइबर क्राइम अगर हो रहा है तो जब उस घटना को अंजाम दिया जा रहा है हम तभी उस पर कार्रवाई करें, ताकि हम जो होने वाला लॉस है, चाहे वो मॉनेटरी हो या सोशल हो, उसे समय, इस सब की बचत कर सकें। जैसा कि आपने कहा कि हमें आवश्यकता है अब क्रिमिनल के बराबर सोचने की, या उससे एक कदम आगे सोचने की, तो आपको कहाँ लगता है कि इंदौर पुलिस पीछे है, मध्य प्रदेश पुलिस पीछे है, या दिल्ली पुलिस, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं जिसमें आप उनकी मदद करते हैं, किस तरह के यूनिक केसेस? क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्मल केसेस तो विभाग भी सॉल्व करने की कंडीशन में होता ही होगा, लेकिन फिर भी कहाँ हमें और बेहतर करने की आवश्यकता, आपको क्या लगता जी? है जी, तो मैंने जैसे बताया था चार तरह के साइबर क्राइम्स, तो इसमें मैं समझता हूँ हमारा पुलिस काफ़ी जुझारू है, मध्य प्रदेश पुलिस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जितेंद्र सिंह जी के अंडर काफ़ी अच्छे काम कर रहा है। इसमें मैं समझता हूँ फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी काफ़ी हद तक वो लोग हैंडल कर लेते हैं, आपका अगर कोई ऑनलाइन आपको ब्लैकमेल कर रहा है उस तरह, वो तो पुलिस ही हैंडल कर लेता है अपने स्तर पर। सिमिलरली मैंने बताया कि आप जहां पे आपको अनजान नंबरों से कॉल आ रहा है, पैसे का लालच देना, तो ये भी पुलिस क्रैक कर लेता है। कई केसेस में पुलिस ने जो पीड़ित व्यक्ति है उसे पैसा वापस भी दिलाया है। तो इस तरह के केसेस, ये क्योंकि कोर क्राइम कहा जाता है, तो पुलिस इन सब को हैंडल कर लेती है। वो जो 20% मैंने बताया था जहां पे तकनीकी स्तर पे डेवलप्ड हैकर है, टेक्निकली डेवलप्ड, तो वो साइबर क्राइम जो है उस स्तर पे हमें पुलिस की और प्रशासन की मदद करनी पड़ती है। तो क्योंकि हैकिंग एक ऐसा डोमेन है जो थोड़ा टेक्निकली एडवांस्ड है, और इसमें ऐसे भी मैंने देखा है जो क्रिमिनल्स हैं वो सब M.Tech कंप्यूटर साइंस
करे हुए लोग हैं, बस ये है कि उन्हें उस तरह से उनका दिमाग चला और उन्होंने कामों को अंजाम दिया। तो ऐसे स्तर पे मैं समझता हूँ कि बिकॉज पुलिस का अपना क्षेत्र है, वो लोगों का उनको उनका मोडस ऑपरेंडी अलग है, तो जो टेक्निकल क्षेत्र है जिसमें हैकिंग संबंधित क्राइम्स हैं, इस लेवल पर हम पुलिस का साथ देते हैं। तो इसमें अगर जैसे हाल ही में पुलिस की वेबसाइट हैक हो गई थी तो उसे रिवर्ट करना, और ऐसे में कई बार देखा गया कि जो हैकर हैं सभी लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वर्चुअल पॉइंट नेटवर्क, तो वो कहीं बैठे होते हैं भाई UP में बट IP एड्रेस दिखा रहा होता है पाकिस्तान का या किसी और देश का। तो इस तरह के केसेस में हम, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो उस लेवल पर हम हमारी तकनीकी सहायता देते हैं कि आप अगर IP एड्रेस भी मास्क कर लें तो भी और तरीके हैं जिससे आप तक पहुँचा जा सकता है। तो इस तरह के हम बैकएंड प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं और व्यक्ति को टारगेट करते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि कहने में आता है, सुनने में आता है कि भाई रशिया से हैकर ने हैक कर लिया या पाकिस्तान से, मालूम पड़ता है कि वो बैठा होता है UP, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल रूप से यदि आप साउंड हैं और यदि आपका दिमाग कहीं दूसरी जगहों पर चलता है तो आप एक कमरे में बैठ कर भी उस छोटे से गैजेट का यूज करके और कई बड़े फ्रॉड करने जैसे सामने हमारे आए हैं, ऐसी चीज़ों पर किस तरह से पकड़ बनाई जा सकती है, किन किन चीज़ों पर आप लोग काम करते हैं, कैसे उन्हें सर्च करते हैं कि कहाँ का व्यक्ति है, कहाँ बैठा है, कहाँ साइट शो हो रही है और किस तरह से इसे पकड़ा जाए। जी तो देखिए, इसके लिए हमारे पास एक तो खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि आजकल मोस्टली सोशल मीडिया से ही जुड़ा होता है हर साइबर क्राइम, तो इनसे हमारा कांटेक्ट है, मैं खुद काम भी कर चुका हूं। तो इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स है, बैकएंड API है जिसका हम यूज़ करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर से हम जैसे व्यक्ति ने IP एड्रेस मास्क कर लिया अपना VPN वगैरह यूज़ करके, तो भी वो फेसबुक अकाउंट में लास्ट एक्टिव था, तो हम ये ट्रैक कर सकते हैं। अब फेसबुक जो है वो अपने IP एड्रेसेस को एक अपने ही सर्वर से इस्तेमाल करता है, वो रेगुलर सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो हम फेसबुक के सर्वर से उसकी लास्ट नोन लोकेशन मोस्ट एक्यूरेटली पिनपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप मल्टीपल तरह होते हैं जिससे हम IP एड्रेस पर ना जाते हुए, कई बार पुलिस जो है सिर्फ IP पे आकर अटक जाती है कि भाई इसे हम कैसे ढूंढे, तो उसके बाद भी उसका मोबाइल नंबर हुआ, उसका मोबाइल नंबर आप अगर और नेटवर्क ऑपरेटर को देंगे तो वो उसकी लास्ट नोन लोकेशन पॉइंट कर देगा। उसी तरह से हम ऑनलाइन वेबसाइट्स, जिस भी प्लेटफॉर्म से वो जुड़ा हो, उस प्लेटफॉर्म के बैकएंड पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो, और उसके साथ साथ हमारे टूल्स, इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके हम, और इसमें बहुत बड़ी बात है कि जो सामने वाला कंपनी है उसका कॉपरेशन, तो चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आइडिया हो, वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो, ये सब की जो टेक्निकल टीम है उनके साथ हम टच में रहते हैं, उन्हें हम नंबर भेजते हैं या URL भेजते हैं जिससे ये साइबर अपराध को अंजाम दिया गया है, और वो हमारी मदद करते हैं उसका लोकेशन या लास्ट नोन ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करने में। सिद्धार्थ भाई, कई चीज़ें अभी बीच में हम लोगों ने देखा भी कि कई डिफेंस की साइट्स हैक कर ली गई, फेसबुक जैसे बड़े ब्रांड की साइट हैक कर ली गई, चाहे सरकारों की हैक कर ली जाती है, तो यहाँ तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ध्यान रखा जाता है, ऐसे में कहाँ चूक होती है जो मैं समझता हूँ। देखिए, हमारे जो .nic.in या .gov.in जो वेबसाइट्स हैं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये बात आज कहना चाहता हूँ मृदुभाषी के दर्शकों के लिए कि कहीं ना कहीं हम देखिए थोड़ा सा हमें तकनीकी अपग्रेडेशन की भी जरूरत है, क्योंकि कहीं पे हम देखें हमारे हम आप सिंपल वेबसाइट्स देखिए स्टार्टअप्स के, दिखने में कितने सुंदर लगते हैं, कितना फ्लूइडिक पेज रहता है उसका, जबकि कई बार मैंने देखा है गवर्नमेंट वेबसाइट्स के जो वेबमास्टर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा कहीं पे चूक जाते हैं, यानी सिंपल चीजें जैसे मैंने बताया कि यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड शब्द का ही इस्तेमाल था, तो इस तरह की सिंपल चीजें करके रख देते हैं वो, तो वेबसाइट बहुत अच्छी रहती है बट यूजर नेम पासवर्ड में हल्का सा, यानी कहते हैं ना 19-20 का फर्क रहता है, तो काम उन्हें भी, बट कहीं ना कहीं हमें वो, मैं कहता हूँ वो सरकारी वातावरण के उसमें ना फंसकर हमें, क्योंकि आज की तारीख में साइबर जगत में हमें तेज होना पड़ेगा, यानी वो एक कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो अब हमें फास्ट एंड फ्यूरियस होना पड़ेगा, हमें एक कदम आगे रहना ही पड़ेगा, तो हमें किसी भी फुल प्रूफ बनाना है हमारे सिस्टम को, यानी आप कोडिंग बहुत अच्छी है, वेबसाइट अच्छी है, बट यूजर नेम पासवर्ड आपको क्रिप्टिक रखना है। दूसरा, लॉगिन पेज अवेलेबल मत कराइए। आप देखिए किसी भी वेबसाइट में, एक तो बहुत सारे लोग वर्डप्रेस नाम की एक टूल का प्रयोग करते हैं वेबसाइट बनाने में, तो आप अगर आपकी जो भी वेबसाइट का नाम है उस वेबसाइट के .com के आगे आप login.html डालेंगे तो वो आपको लॉगिन पेज पे लेके चला जाता है, यानी आप थाली में सजाकर दे रहे हैं एक हैकर को कि ये मेरा लॉगिन पेज है, अब आप
यूजर नेम पासवर्ड डाल लो, तो हमें इस तरह के पेजेस को मास्क करना है। तो यहीं पे ये छोटी छोटी चीजें हो जाती है, यानी वेबसाइट बहुत अच्छी भी बन गई तो भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो ये फ्यू टिप्स का हमें ध्यान रखना है। ऑल्सो जो वेबसाइट है उसे हम HTTPS के साथ साथ वो सिक्योर्ड लॉक जो आगे दिखता है हमें वेबसाइट का, हमें इस तरह की वेबसाइट्स पे ही जाना है, जहाँ पे वो ताला हमें ना दिखे उस तरह की वेबसाइट्स हम विजिट ही ना करें। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा आज भी आप सरकारी वातावरण कह लीजिए, उसे रेड टेपिज्म कह लीजिए, ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए, कहीं ना कहीं हमारे वेबमास्टर सरकारी तौर पे स्तर पे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो जाते हैं, यानी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे कि हैकर्स लूप होल पता करके उसे एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर सिक्के के कहीं ना कहीं दो पहलू। बिल्कुल सही। ये नया युग है और टेक्निकल रूप से हम साउंड हो रहे हैं, तो उसके कई ऐसे पहलू भी है जो हमें बाधा डाल सकते हैं, जो हमें परेशानी में डाल सकते हैं और हम कई बड़ी परेशानियों में फंस भी सकते हैं। सर, आज का दौर कहीं ना कहीं यदि कोविड के बाद की बात की जाए तो सभी कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो हम उस दौर में चले गए हैं जहां बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोगों के हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट 24 घंटे चालू है। तो ऐसे लोगों के लिए जो नॉन टेक्निकल होते हैं जी, वे लोग क्या सावधानियां रखें, क्योंकि दिन भर मोबाइल पे यदि काम कर रहे हैं तो किसी भी साइट्स पे आप चले जाते हैं, कोई भी साइट ओपन कर लेते हैं और उस पे जा चले जाते हैं जी। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो घरों में है, बच्चे हैं जिनको ज्यादा समझ नहीं है, टेक्निकल रूप से साउंड नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या जी? देखिए, अगर आप घर पे हैं, आप भले ही हाउस वाइफ हो, है ना, बूढ़े हो, व्यक्ति हो, घर पे बच्चे हो, सबसे बड़ी बात है कि हम एक तो हमारे बैंकिंग डिटेल्स मोबाइल में स्टोर ना करें, सबसे बड़ी बात वो है। अगर आप आईफोन भी यूज करते हैं तो उसमें भी हम कार्ड सेव करने का ऑप्शन रहता है, मत कीजिए उसे सेव। भले ही आपको दो बार सोचना पड़ेगा हर बार एंटर करने से पहले, बट आप कहीं ना कहीं हम आलसी ना हो जाए, बस ये है, हम बैंकिंग डिटेल्स सेव नहीं करें मोबाइल में, है ना। साथ ही में हम सिंपल चीज़ें, अननोन नंबर से हमें फ़ोन नहीं उतारना है, यानी अगर किसी अननोन नंबर से आता भी है तो हम बात करें, विद इन 5 सेकेंड्स हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये कॉल मतलब का है या नहीं है, तो आप इमीडिएटली उसे काट दीजिए, उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। बच्चों के लिए भी यही है कि पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो उसे ब्लॉक करवा दीजिए। दूसरी बात यह कि हमें वीडियो कॉल नहीं उठाना है। कई केसेस में देखा गया है कि भाई व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर दें, क्योंकि अगर आज की तारीख में किसी के पास नंबर है तो जाहिर सी बात है भाई उस पर व्हाट्सएप तो होगा ही, और व्हाट्सएप है तो भाई अगर आपने नंबर को ब्लॉक भी कर दिया तो व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो कॉल तो लग ही सकता है, तो हम क्यों उठाएं वीडियो कॉल? या और अगर किसी भी अननोन नंबर से आपको आ रहा है तो मत उठाइए। अगर आपको लग रहा है बहुत बार आ रहा है, कोई अर्जेंट है, तो अपना कैमरा छुपा लीजिए। इस तरह की सिंपल चीज़ें कीजिए जिससे सामने वाले आपको देख ना सके, आपसे बात नहीं कर सके। हमें अगर कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है या ना चाहकर हमें कॉन्टैक्ट कर रहा है, उसे ब्लॉक कीजिए, भले ही व्हाट्सएप पे हो, भले ही कॉल पे हो। ये सिंपल चीज़ें हैं जो गृहणियाँ, बच्चे, बूढ़े सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ऐप्स जो हैं, भले ही वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जीमेल, ये 4 ऐप्स आपके मोबाइल पे हैं, इनमें 2-स्टेप वेरिफिकेशन चालू कर लीजिए, सिंपल, सो दैट आपका और आपका जो इनका ईमेल आईडी है लॉगिन का, वो आपका रेगुलर ईमेल आईडी से अलग होना चाहिए। भाई मेरा रेगुलर ईमेल आईडी मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, बट मेरा जो फेसबुक है, ट्विटर है, वो ईमेल आईडी सब अलग अलग सेट कर लीजिए। एक किताब लीजिए, उसमें लिख कर घर में सेफ रख दीजिए। तो इस तरह के अपने पासवर्ड सभी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रखिए, एक ही पासवर्ड को, क्योंकि हमें आसान रहता है याद रखना, मत कीजिए, अलग अलग रखिए और उसे लिख कर रख लीजिए ताकि आपको भी ध्यान रहे। इस तरह की सिंपल चीजें आप यूज कीजिए। पासवर्ड्स को नोटपैड में जाके फोन पे स्टोर मत कीजिए, है ना, कार्ड्स को स्टोर मत कीजिए। ऐसा करने से आपका जो सोशल इकोसिस्टम है या आपका जो स्मार्टफोन है वो पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। क्या बात है, बहुत सारी बहुत शानदार जानकारियां सिद्धार्थ भाई लगातार हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। सिद्धार्थ भाई, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग आज 4G में जी रहे हैं और अगला दौर 5G का है। बहुत सारी चीजें तेजी से बदलेगी, टेक्निकल रूप से हो चाहे बाकी, कितने सावधान रहने की आवश्यकता है हमें अगले युग में, मतलब इंटरनेट के अगले युग में जाने की, कितनी सावधान। देखिए, अभी आपने बहुत बड़ा जिक्र किया 5G का और इंटरनेट के अगले युग का, तो इसमें एक मैं बात बताना चाहता हूं दर्शकों को कि 90s का जो दशक था उसमें पहले आया इंटरनेट, और उस दौरान सबसे पहली चीज आई सर्च इंजिन की, भाई इंटरनेट आ गया तो गूगल, याहू, ये सब सर्च इंजिन आ गए। उसके बाद का जो दशक आया, यानी हम 2000 to 2010,
वो था सोशल नेटवर्किंग का, जिसमें कि फेसबुक ऑर्कुट से शुरू हुआ, फिर फेसबुक माईस्पेस इस तरह के वेबसाइट्स आ गए, तो सोशल नेटवर्किंग बन गया दूसरा पहलू। तीसरा पहलू 2010 से लेकर 20 वाला जो 11 से 20 वाला जो दशक था, इसमें आ गए स्मार्टफोन्स, तो ये सब बन गए ऐप्स, और फेसबुक इन सबको रिप्लेस कर दिया इंस्टाग्राम ट्विटर रेडिट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने। अब जो अगला दशक है इंटरनेट का, यानी 2021 से 30 वाला, इसमें एक चीज आ रही है, वो है मेटावर्स। तो हमें आप देखिए, फेसबुक जो कंपनी है और मार्क जकरबर्ग, उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया है फ्रॉम फेसबुक टू मेटा। अब सोच के जकरबर्ग जैसा विजनरी और फेसबुक जैसी संस्था जो कि इंटरनेट का आज की तारीख में, आप सोच के देखिए, दिन का 95% डेटा जो है फेसबुक और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट वेबसाइट्स इंस्टाग्राम इन सब के थ्रू ही फ्लो होता है, तो उन्होंने ही अगर अपना नाम बदल के मेटा कर लिया है, यानी वही संकेत दे रहे हैं कि आने वाला दशक जो है मेटावर्स का है। तो मेटावर्स हमारी परिकल्पना को अगले लेवल पर लेके जाता है। जो हम वर्चुअल दुनिया बना ली है हमने अपने चारों तरफ, यानी हमने मोबाइल जोड़ लिया, जूम लेके आ गए, एमएस टीम्स लेके आ गए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, ये इसे वर्चुअल रियलिटी पे लेकर चला जाएगा। तो हमारी जो वर्चुअल दुनिया है उसे एक मेटावर्स का कॉन्सेप्ट देने के दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। तो आप एक घर पे चश्मा पहनकर वर्चुअल रियलिटी का आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, दुनिया भर में मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं। तो वही है कि दुनिया की जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर्स हैं, फिजिकल बॉर्डर्स, उन्हें ख़त्म करने की और डायरेक्शन में ये मेटावर्स बढ़ रहा है। बट जैसे ही मेटावर्स बन जाएगा, तो जस्ट लाइक हम इंटरनेट का डार्क नेट कहते हैं, वैसे ही मेटावर्स का अपना खुद का एक डार्क नेट शुरू हो जाएगा, जिसपे कि वर्चुअल रियलिटी गैजेट्स को हैक करना, लोगों के अगेन बैंकिंग रिलेटेड जानकारी को निकाल पाना, और सबसे बड़ी बात है मेटावर्स में कहने में आया है कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो होगा वही मेन करेंसी ऑफ एक्सचेंज होगा। तो इस तरह के डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। तो हमें वर्चुअल करेंसी जहां पे इन्वॉल्व हो, हमें बड़ी सतर्कता बरतनी है, हमें उसे अपने बैंक से लिंक नहीं करना है। भले ही आप उसमें डील कीजिए, बट उसे खरीद कर उसे अपने बैंक को डीलिंक कर लीजिए, अपने बैंक से मत कनेक्टेड रखिए, क्योंकि जहां पे आपने बैंकिंग परमिशंस दे दिए ऐप्स को, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा डिडक्ट कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। तो इस तरह की चीजों से हमें बचना है। अपने बैंकिंग डिटेल्स कहीं पे भी एंटर कीजिए, खरीद के ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद बंद कर दीजिए, उस कार्ड डिटेल्स को सेव्ड मत रहने दीजिए। तो इस तरह की चीजें हैं। एंड यही है कि जिस तरह 5G युग में जाएगा, इंटरनेट की गति बढ़ रही है, भाई गति और स्पीड बढ़ेगी तो हमारा काम तो आसान होगा, बट ये याद रखिए हैकर्स का भी काम आसान होगा। तो ऐसे मामले में हमें हैकर से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। मेन हैकर, किसी भी साइबर क्रिमिनल का जो मेन मकसद होता है वो है पैसा, उसे बनाना है इंटरनेट पे, तो आसानी से, वो भी आसान तरीके से पैसा। तो हमें हमारा बैंकिंग डिटेल्स, कार्ड्स या कार्ड्स के जो नंबर्स है, OTP है, CVV है, RBI भी कहता है, ये सारे चीज़ों को आप सेव अपने पास रखिए, किसी से शेयर मत कीजिए, किसी व्यक्ति दोस्त किसी परिवारजन से किसी से शेयर मत कीजिए, ट्रांजैक्शन खुद कीजिए, अपने हाथों में अपना कंट्रोल रखिए। तो कुल मिला के सीधी तौर पे यदि बात की जाए तो साइबर क्राइम कहीं ना कहीं जो भी क्रिमिनल है उसका सीधा सीधा मकसद आपका पैसा है, उसे किस तरह से झांसे में लिया जाए, किस तरह से आपको परेशान किया जाए और उसका पैसे का उपयोग अपने लिए किया जाए, इसका एक मकसद लेके ये साइबर क्राइम और क्रिमिनल चलते हैं। और उन्हीं से बचाव के लिए हमने सिद्धार्थ भाई को आपके साथ में जोड़ा है, ताकि आप इन सब चीज़ों में न फंसे और कहीं ना कहीं सावधानी रखें, और तकनीकी रूप से साउंड होना बहुत आवश्यक है, अपने दिमाग को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि हम मोबाइल पे या चाहे लैपटॉप पे हो, किसी न किसी चीज़ पर जब हम वर्क करते हैं तो ऐसी परेशानियों में न फंसे, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो सारी बातें सिद्धार्थ जी ने आपको बताई है। हमें बहुत आवश्यक है सावधान रहने की, क्योंकि अगला युग बहुत तेज़ी से बदलने वाला है, इंटरनेट का एक नया युग आने वाला है। मेटा वर्जन जो आपने बताया वो बहुत तगड़ा वर्जन होगा, जो मुझे लगता है कि ये दुनिया, इंटरनेट की जो दुनिया है वो वर्चुअल दुनिया, जो हमारे आसपास का वातावरण बहुत बदलेगी। सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए पहुंचाई। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।